नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौहान और आप देख रहे हैं राहुल टीच स्पोर्ट 29। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप कैसे बहुत इजीली अपने डिवाइस में इवोल्यूशन एक्स या फिर कोई सी और रोम आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको ये पिक्सल एक्सपीरियंस पर करके दिखाएंगे आप कैसे पिक्सल एक्सपीरियंस अपने रेडमी नोट 7 प्रो स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत इजीली। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं दिखाया है तो उसमें हमने आपको दिखाया था आप कैसे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखाया तो आप बेल के आइकन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। जो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो उससे आगे का ही प्रोसेस दिखाने वाले हैं आप कैसे उस रिकवरी की मदद से यहाँ पर आप अपनी कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस में। तो अगर आप ने अभी तक रिकवरी नहीं डाली है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर आपके डिवाइस में TWRP या ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पहले से इंस्टॉल है तो चलिए हम सीधा इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमारा रेडमी नोट 7 प्रो स्मार्टफोन है और हम इसमें अपना पिक्सल एक्सपीरियंस इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए जैसे कि मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, मैं माई फाइल मैनेजर में यहाँ मैं फ़ाइल पहले से यहाँ डाल चुका हूँ। आप देख सकते हैं आप पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस, ये हमें फ़ाइल यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस की पहले से मैंने यहाँ पर डाल दिया। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ जिससे लाइट आपको अच्छी एडजस्ट हो जाए। ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे पिक्सल एक्सपीरियंस फाइल यहाँ पर हमारी पहले से पड़ी हुई है। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपने स्मार्टफोन को यहाँ पावर ऑफ कर देता हूँ। तो पावर ऑफ हम कर चुके हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अब हमें ये जैसे कि आप मेरे कवर पर देख पा रहे होंगे प्लस का बटन ये है और यहाँ पावर बटन, इन दोनों को हमें दबा कर एक साथ प्रेस कर कर रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ रेडमी और यहाँ हम अपनी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में आ चुके हैं। तो जैसे कि रिकवरी हमने यहाँ पर अपने सिस्टम में डाल रखी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पिक्सल एक्सपीरियंस पर क्लिक करता हूँ और अगर आप सोच रहे हो डायरेक्ट इंस्टॉल करने की तो नहीं, पहले हमें अपने डेलविक, या आप देख सकते हैं क्या क्या हमें क्लियर करना होगा यहाँ से, डेलविक कैचे सिस्टम वेंडर डाटा प्रोडक्ट कार्ड और मेटा डाटा, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इंटरनल स्टोरेज को क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो मेरी फाइल है वो इंटरनल स्टोरेज में ही पड़ी हुई है, लेकिन हाँ मैं इंस्टॉलेशन के बाद अपने इंटरनल स्टोरेज को भी क्लियर कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, अभी जो हमारे ये क्लियरिंग है ये हो चुकी है। अब मैं पिक्सल एक्सपीरियंस यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस की जो फाइल है वो मैंने यहाँ ओपन कर ली है। अब मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस को यहाँ इंस्टॉलिंग पर लगा दिया है। चलिए हम इसे पास से आपको दिखा देते हैं, ये हमारी अभी फाइल इंस्टॉलिंग पर है। आप देख सकते हैं अभी ये काफ़ी लंबी इंस्टॉलेशन है थोड़ी, जैसे कि पूरा सिस्टम अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है और मैंने आपको दिखा दिया था आपको क्या क्या इसमें पहले डिलीट करना था। अगर आप वो सब कुछ डिलीट नहीं करेंगे तो आपका MIUI जो कि आपका पड़ा हुआ सिस्टम है उसी के ऊपर ये सब इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए अब हम इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीट होने का वेट करते हैं। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी इंस्टॉलिंग में है हमारा रूम और इसे इंस्टॉल करने के बाद हमें अपनी इंटरनल स्टोरेज भी क्लियर करनी होगी जो कि अभी तक मैंने करी नहीं थी क्योंकि मेरे इंटरनल स्टोरेज में ये पड़ा था। अगर आप चाहें तो इसे किसी USB या OTG के ज़रिए यूज़ करके उसे स्टार्टिंग में ही क्लियर कर सकते हैं अपने इंटरनल स्टोरेज को भी। तो जैसे कि इंस्टॉलिंग पूरी हो गई है, चलिए जैसे कि हम देख सकते हैं इंस्टॉलिंग हमारी पूरी हो गई है। अभी हमें सिस्टम रिबूट नहीं करना है, अभी हमें आना है और यहाँ आप फॉर्मेट डाटा भी देख सकते हैं, इससे हमारी पूरी इंटरनल स्टोरेज क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वाइप डाटा कर दिया है, तो ये फैक्ट्री रीसेट और ये मैं अपने सिस्टम को रिबूट कर देता हूँ। तो ये अब हमारे MIUI की जगह पे अब हमारे फ़ोन में गूगल लिखा चुका है, तो इसका मतलब हमारा गूगल का जो कस्टम रोम थी हमारी वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। और दोस्तों मैं अगर आपको गूगल रोम का इस टाइम एक और बेनिफिट बताऊं तो जैसे कि आज 1 जून है, आज से गूगल फ़ोटो जो फ्री स्टोरेज देता था हमें हाई क्वालिटी में जो कि उनकी क्वालिटी थी, तो आज से वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब से अगर हमें उसमें इंस्टॉल करना है तो हमें पिक्सल 5 डिवाइस होना चाहिए हमारे पास, और जैसे कि रोम है ये रेडमी नोट 7 प्रो के लिए पिक्सल 5 पर ही वर्क करती है, तो इसका मतलब हम इस रोम के अंदर जो भी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करेंगे वो 15 GB में काउंट नहीं होंगे
तो एक ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा इस टाइम हमारी इस Redmi Note 7 Pro में अगर हम पिक्सल रोम को डाल देते हैं। तो चलिए मैं इसे जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं इसे क्विक सेटअप इसका दे देता हूँ। तो यहाँ मैं इसे अपने वाईफाई से भी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट कर लिया है। तो अब ये बस हमारे फ़ोन को रेडी कर रहा है, और जब हमारा फ़ोन अब स्मार्ट हो स्टार्ट होगा हम गूगल पिक्सल को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और अगर आप इसमें गूगल पिक्सल का कैमरा भी डालना चाहते हैं जो कि जी कैम ओरिजिनल है, हालांकि जो इसके साथ कैमरा आता है वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता, अगर आप इसमें सिंपली जी कैम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आपको आई बटन में जाकर मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा जी कैम वर्क करता है, अगर आप वो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आई बटन में जाकर आप लिंक देख सकते हैं और जी कैम को प्रॉपरली अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इन स्टेप को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारा गूगल पिक्सल के साथ हमारा स्मार्टफोन ही ओपन हो चुका है, जैसे कि मैं आपको एक बार सेटिंग में जाकर भी यहाँ दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अबाउट फ़ोन में यहाँ पर डिवाइस हमारा Redmi Note 7 Pro ही है, पर अब इसमें Android 11 भी आ चुका है आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें Android सिक्योरिटी अपडेट की तो ये 5 मई 2021 का है, हालाँकि आज 1 जून है और हमें इसमें जून का भी अपडेट देखने को जल्दी मिल जाएगा। और अगर मैं कुछ और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ, मैं थोड़ी ब्राइटनेस इसकी कम कर देता हूँ, अब आप इसे क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो अगर हम और इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो इसमें पिक्सल एक्सपीरियंस का वर्क कर रहा है इस टाइम, जो कि एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है। हालांकि जो इसके साथ कैमरा आता है वो कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं है, गो कैमरा ये आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, आपको अलग से अपने डिवाइस के लिए जी कैम इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक सेपरेट हमारा वीडियो है जो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और आने वाले हमारे लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें।